भाजपा अब कमल शक्ति अभियान के जरिए महिलाओं को बीजेपी से जोड़ रही है और इसके लिए सभी जिलों में अभियान के तहत दो दिवसीय बैठकें आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री निवास पर महिला मोर्चा की बैठक में सीएम ने मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों को जिलों में दौरा करने और संगठन की सदस्यता के साथ साथ अभियान का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए थे। जबलपुर में भाजपा कार्यालय में प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ममता भदौरिया ने बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी महिला कार्यकर्ताओं से मोबाइल मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर वर्ग और जाति की महिलाओं के लिए योजना बनाई है, जिनसे उन्हें लाभ भी मिल रहा है, इसलिए प्रदेश भर में उन्हें महिलाओं का समर्थन भी मिल रहा है बहरहाल इस अभियान के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जब उनसे आरक्षण के विषय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा विचार विमर्श करने की बात कहकर टाल दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा से 20-20 बहनों को सीएम हाउस बुलाया, ने कमल शक्ति अभियान के नाम से बूथ लेवल पर रचना करने का बोला। उसी रचना के अनुरूप आज मैं उस बैठक में यहाँ आई हूँ। कमल शक्ति अभियान ये जिले की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में तो वैसे भी सक्षम और सशक्त है, काफ़ी बहनें जुड़ी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएँ भी हैं बहनों के लिए। ये हमारी चुनावी रणनीति है, चुनावी से हम बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सरकार तो मुसीबत में नहीं है, मुद्दा है आरक्षण का, लेकिन अब संगठन वरिष्ठ लोग इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, विचार करेंगे। आपका क्या मत है आरक्षण को लेकर के? नहीं, वरिष्ठ लोग ही इसमें बोल पाएंगे, मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपका मत?